साहब, हमने तो सिर्फ 22 मांगी थी और आपने मुझे हवाला तो बंद कर दिया। चुप। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप क्या हो रहा है पाठक? सर ये मारामारी का केस है। देखिए ना, ये लोग तो इन गुंडों को फेवर कर रहे हैं। ये दोनों तो एक बूढ़े आदमी को लूट रहे थे, जब वो भाग गया तो इन्होंने हम पर हमला कर दिया। आपकी तारीफ? जी वो ये मेरे पड़ोस में रहती है। इन चक्कों को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने सिर्फ माचिस मांगी थी। अब हवालात में ही माचिस मिलेगी तुम्हें। ले जाओ ने। ओम, तुम घर जा सकते हो। बेहतर यही रहेगा कि तुम घर पर रहा करो। इस तरह की घटना तुम्हारे बेल पर काफी असर डाल सकती है। आइंदा ख्याल रखो। और आप तो इनके घर के पास ही रहती हैं। जी जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। दमयंती हार गया और वो जीत गया। जानकर दुख हुआ ना। उसके पास पैसा है एक बार। मैं नहीं जानता सच क्या है, और वो हथियारों का स्मगलर है ये दूसरी बात है। और तुम्हारे पिताजी ने आत्महत्या कर ली। कितनी अजीब बात है, बाबा के मरने के बाद सबने हमसे मुंह फेर लिया, सबने दोषी माना उन्हें, लेकिन माँ ने कभी नहीं। इसलिए उन्हें पागलखाने भेजना पड़ा और वहीं उनकी मौत हुई। समझ में नहीं आता कि भैया ने कैसे यकीन कर लिया कि पापा दोषी है, और वो आज तक यही यकीन करते हैं। उनके पास सच जाने का वक्त ही कहाँ था। उनका सच सिर्फ हमें जिंदगी देना था, बस। और कैसी जिंदगी दी उन्होंने हमें? अपने बीते हुए कल से भागने को जिंदगी नहीं कहते दीदी। आज पहली बार कुछ कुछ साफ साफ से दिखाई दे रहा है। पता नहीं क्या क्या देखना बाकी है। मेरा बस चलता तो वही गला घोंपता तुम्हारा। तुम कार में क्यों नहीं बैठ रहे थे? वो लड़का शिवम, वो हूबहू अरिहंत कपूर जैसा लगता है। मैं डर गया था उसे जा, मुझे लगा कि जैसे अरिहंत कपूर का प्रेत सामने खड़ा है। अपना इलाज करो डॉक्टर, शिवम कोई प्रेत नहीं, आठ मास का इंसान है जिसे अपने बाप के बारे में सिर्फ उतना ही पता है जितना कि मैंने उसे कल रात बताया। क्या बताया तुमने उसे? रात मैं उसीजा साहब के यहाँ गया था। हाँ मुझे मालूम है माथुर ने उन्हीं का नाम लिया था, लेकिन एक बात जान लो, माथुर ठीक आदमी नहीं था बल्कि नहायत ही कमीना और चलाक आदमी था। वो बाबा के गुनाहों के बारे में जानता था इसलिए। भैया दरवाजा खुला छोड़ दे, बाद में लगा। सुनीता तुम ओम की चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था। मुझसे जो कुछ भी होगा वो मैं करूंगा, लेकिन तुम्हें अगर कभी भी किसी भी तरह की मदद की जरूरत पड़े तो झिझकना नहीं। कभी नहीं।
क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर मुझे किसी भी मदद की जरूरत हो तो तुम जरूर मेरी मदद करोगे। वाडिया मुझे किसी और केस में फंसाना चाहता है, लेकिन मैं कोई और केस लेना नहीं चाहता। पर क्यों? इसलिए कि अगर मैंने ओम का केस नहीं लिया तो कोई दूसरा ये केस ले लेगा और मैं किसी और को बाजी नहीं मारने दूंगा। Come on. No, I mean it. I do mean it. I'll see you later. जी बोलिए। जी जी, तुम्हारा फोन है अमेरिका से। कौन है? द्वारकानाथ जी, अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें पूरा नाम याद दिला दूं। द्वारकानाथ मल्होत्रा इस कंपनी के मालिक और तुम्हारे पुराने दोस्त। लो बात करो। हेलो द्वारका, कितने बरस बाद तुम्हारी आवाज सुनी उसे। मुझे सच बहुत खुशी हुई, हालांकि मैं जानता हूं कि तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई होगी। सुनो से, मैं जल्द से जल्द हिंदुस्तान पहुंच रहा हूं। उसे जाने मुझे सारी बात बतला दी। तुम अपना ख्याल रखना, बाकी मैं संभाल लूंगा। अरे शिवम बाबू, कहाँ हैं आप? सर वो मैंने आपसे कहा था ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम। अरे भाई प्रॉब्लम तो यहाँ भी है, जल्दी आ जाइए। सर थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा। वो क्या है कि मेरी सिस्टर अपना बैग घर पर भूल गई है, तो मैं उसके ऑफिस में उसका बैग देकर पहुंचता हूँ। सर सिस्टर बैग भूल गई है तो आप भी भूल जाइए। अरे भाई पहले आप ऑफिस आ जाइए, बाद में बैग पहुंचाते रहिएगा। हाँ फिर टाइम ही टाइम होगा आपके पास। ठीक है सर, मैं पहले ऑफिस पहुंचता हूँ। सर खुलाइए। हाय। तुम? मुझे तो लगा था मैं तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाऊंगी। तुम्हें यह का पता किसने दिया? खुद ढूंढा है, बहुत मुश्किल हुई। मैं अंदर आ जाऊं? अंदर ही खड़ी हूं। मेरा मतलब और अंदर से था। तुम्हें मेरा आना बुरा तो नहीं लगा ना? मुझे ये समझ में नहीं आया कि तुम यहाँ आए क्यों। तुम्हें थैंक यू कहने? किस बात के? मैंने तो तुम्हें पैसे भी नहीं दिए। तुम्हें क्या लगता है अगर तुमने मुझे पैसे दिए होते तो मैं तुम्हें थैंक यू कहने आती? पहली बार मुझे किसी आदमी का साथ सेफ लगा। कल अगर तुम नहीं होते तो वो गुंडे। मैं लड़ा था अपने आप को बचाने के लिए, पर मैं बच गई। कुछ लोगों की किस्मत अच्छी होती है। तुम थैंक यू कहने आई थी, कह दिया अब तुम जा सकती हो। तुम्हें दोबारा कब मिल सकती हूँ? किस लिए? क्यों ही, अगर तुमसे मिलना चाहूँ तो। कभी कभी किसी का साथ मिल जाना अच्छा होता है। वैसे भी आजकल अकेले रहना ओल्ड फैशन्ड हो गया है। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, आइए शिवम बाबू, बहुत कष्ट के इंतजार कर रहे थे हम आपका। क्या बात है सर? एक जादू दिखाना था आपको। जादू सर? हाँ जादू, ये देखिए। मैं समझा नहीं सर। अरे भाई इसमें समझने की क्या बात है? नहीं, आपकी गद्दी गई। ना 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 ना, ना।
ये मत समझिए कि छुट्टी की वजह से आपकी नौकरी गई। आपकी नौकरी गई आपके अपने करतूतों की वजह से। अरे भाई पहले ही साफ साफ पूछा था ना कि घर में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, तो बताया क्यों नहीं कि भाई के ऊपर केस चल रहा है मर्डर का। और बाप 71 की लड़ाई में 19 सिपाही को मार के खा चुका है। आप तो शिवम बाबू अपना गोटिया बिस्तर बांध लो। About my life, and your goddamn office staff calls me up to tell me about it. Stop it. एक तो बैठ कर बात करो, दूसरा हिंदी में बात करो, थोड़ा तमीज से बात कर पाओगे। Sit down. Okay. Dad, मैंने सुना है कि मैं हिंदुस्तान जा रही हूँ। ठीक सुना है। But why? क्योंकि मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ। अगर आप हिंदुस्तान जा रहे हैं तो जरूरी नहीं कि मैं आपके साथ जाऊं। जरूरी है, तुम यहां अकेली रह जाओगे। डैड, मैं अकेली रह सकती हूं। शायद, लेकिन तुम्हें अकेला छोड़ा नहीं जा सकता। बट व्हाई? क्योंकि तुमने मुझे कभी यह भरोसा दिलाया ही नहीं कि तुम्हें छूट दी जाए तो तुम उसका सही इस्तेमाल करो। कम ऑन डैड, सिगरेट बुझा दो। तुम्हें मालूम है मुझे पसंद नहीं। And I hate cigars. Okay. All right. But Dad, I hate that country. हम वहां चंद महीने के लिए तो जा रहे हैं। But Dad, मैं वहां जाके करूंगी क्या? मैं किसी को जानते तक नहीं। जब तक नहीं जाओगे कैसे किसी को जानोगे? देख लेना, वहां पहुंचकर तुम्हारे नए दोस्त अपने आप बन जाएंगे। तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा कि मैं यूं गले क्यों पड़ रही हूं। मैं बोलती जाती हूं, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? मैंने तुमसे कहा तो था मेरा नाम जैस्मिन है। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो। जो भी कहना हो समझती हूँ, किसी को भी अजीब लगेगा। एक रात एक लड़की मिल जाके कहती है बस स्टॉप तक छोड़ दो, फिर जाने का नाम ही नहीं लेती, गले पड़ जाती है, घर तक आ पहुँचती है। सुनोगे तो इंटरेस्ट होगा ना, जब भी मैं बोलने के लिए मुंह खोलती हूँ तुम कान बंद कर देते हो, तो कैसे जान पाओगे? इंस्पेक्टर, आप एग्जैक्टली क्या जानना चाहते हैं? एग्जैक्टली तो मैं भी नहीं जानता हूँ। देखिए सुनीता जी, Try and trust me. मेरा मकसद बाथुर के मौत की सच्चाई तक पहुंचना। That's it. आपने तो अपनी ड्यूटी कर दी है ना? आप ओम को ही कातिल मानते हैं? देखिए आपके भाई से मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। जिस तरफ सबूत ने इशारा किया हमने कार्रवाई उसी तरफ की। आपके भाई को दोषी साबित करना आसान है, मगर ध्यान से देखा जाए तो कई सवाल उठते हैं। आपका भाई ओम बाथुर से कभी पहले मिला नहीं, तो वो उसका कत्ल क्यों करेगा? मिस्टर उसीजा मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ऐसा मुझे लगता है। फिर एक पुरानी फैक्ट्री के कुछ कागजात मिले जो इस तरफ इशारा करते हैं कि मिस्टर उसीजा का देहरादून से कुछ नाता जुड़ा हुआ है। आप भी तो देहरादून से ही बिलोंग करती हैं। उस फैक्ट्री का मालिक सुनीता बस तुम घर पर ही भूल गई थी। मैंने सोचा। ये है मेरे भाई शिवम और ये है इंस्पेक्टर कांत। हाँ, जिमखाना क्लब के बाहर मेरी इनसे मुलाकात हो चुकी है। काफी अपसेट थे उस वक्त आप। करो शैतान की बात और मिले शैतान का साथ। मैं भी सोच रहा था कि काफी अरसे से इंस्पेक्टर कांत से बातचीत क्यों नहीं। हेलो सर,
आप लोग चल के इनके ऑफिस में बैठ के बातचीत करिए, मैं इंस्पेक्टर कांत से फारिक होकर हाजिर हूं। कहिए इंस्पेक्टर, क्या पूछताछ हो रही? इन्वेस्टिगेशन करना तो हम पुलिस वालों का काम। बको बको, तुम मुझे नहीं जानते और जानना भी नहीं चाहता। जान लोगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। हाँ, तुम्हें क्या कह रही थी कि तुम मुझे नहीं जानते, और जो तुम समझते हो कि मैं हूँ शायद वो मैं हूँ नहीं, और जो मैं हूँ वो तुम नहीं जानते। दूसरी तरफ मैं तुम्हें जान गई हूँ, और शायद जो मैं समझती हूँ कि तुम हो वो तुम हो नहीं, और जो तुम हो वो मैं नहीं जानती। तो सवाल ये पैदा होता है कि कौन जानता है और कौन नहीं जानता, और जो नहीं जानता वो क्यों नहीं जानता। क्या मैं एक बात जान सकता हूँ? क्या? आप जाने का क्या लेंगे? बस एक कप चाय किसी भी रेस्टोरेंट में, थोड़ी सी बातें कर लो, चली जाऊंगी। आप तो वकीलों की जात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। हमारी बिरादरी के होते हैं, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। फिलहाल मैं चलता हूँ, मैं फिर आऊंगा जब आप भी हैं। भैया सब ठीक तो है ना? हाँ, क्यों नहीं? ओम कैसा है? वैसा ही है जैसा था, मुझसे तो बात भी नहीं करता है। उसने आपको माथुर के बारे में कुछ बताया? ओम क्या बताएगा माथुर के बारे में? मरने से पहले माथुर ने आपको फोन किया था, जो गलती से उन्होंने सीख किया, बता रहा था कि बाबा दोषी नहीं था, उन्हें फंसाया गया था। बकवास कर रहा था माथुर। ओम ने मुझे क्या जानता है? ओम क्या मालूम है उसे? बाबा हथियारों की स्मगलिंग किया करते थे, समझी? हथियारों का एक डिफेक्टिव लॉट उन्होंने आर्मी को सप्लाई किया था, और माथुर इस बारे में सब कुछ जानता था। बाबा के बिजनेस के सारे घपले वाले कागजात अपनी तिजोरी में रखकर ब्लैकमेल किया करता था वो बाबा को। और कुछ जानना चाहती हो तुम? तो फिर वो मरने से पहले आपको यह बताने की कोशिश क्यों कर रहा था कि बाबा दोषी नहीं थे? क्योंकि पागल था वो, he was a madman, समझी था वो, he was a bloody psychic case। उसी माँ को पागलखाने पहुंचाया था, और अब चाहता है कि मैं भी पागलखाना पहुंचूं। मैं सचमुच पागल हो जाऊंगा। थक गया हूं। मेरे बाप का किया अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, मैं अब और नहीं झेल सकता हूं। अरे या तो नौकरी देते नहीं है, देते हैं तो छीन लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे सब के सब इकट्ठे हो गए जस्ट टू बॉयकॉट अस। हाँ, मेरा बाप गद्दार था, लेकिन उसे सजा मिली ना? मिली उसे सजा। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरे भाई ने कोई गुनाह ना किया हो, उसको सजा ना मिले बस।